स्टेट जो है सर्वेडाइंस, ये कौन सी हार्डनेस कास करते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट हार्डनेस कास करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, और जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास परमानेंट हार्डनेस हो गई। अब आपने ये पढ़ा था परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अब आप सोप सॉल्यूशन जो बनाया है, अब देखो ये परमानेंट हार्डनेस हो गई है, ये परमानेंट हार्डनेस है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या वाकई में ये परमानेंट हार्डनेस है। हमने ये पढ़ा है कि जो हॉट वाटर है वो सोप सॉल्यूशन के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करता, तो जो ही हम सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जाग बनेगी। ठीक है, इसमें हम सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हमारे पास जाग नहीं बनेगा, अगर बनेगी भी तो अच्छी जाग नहीं बनेगी। ठीक है, तो वो इस चीज को शो करेगा कि दिस इज परमानेंट हार्डनेस या दिस इज हार्ड वाटर। अब इसमें आप सोप सॉल्यूशन ऐड करें, इसके साथ ऐड करेंगे ड्रॉपर लें, और ड्रॉपर साफ है? यस मैम साफ है, बिल्कुल साफ। ऐसे ही थोड़ा सॉफ्ट है, उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करें। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लिखे टेस्ट ट्यूब पे। सोडियम बाइकार्बोनेट वहां से ले आए, कैल्शियम क्लोराइड ऐड नहीं करना, बस सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करना। अच्छा जी, अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें स्टीरियल के साथ स्टिक करेगा और डिसॉल्व नहीं होगा। बाइकार्बोनेट डाला है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स की वजह से कौन सी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया, ये हार्ड वाटर बन गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब दी है इसमें से कुछ हिस्सा एक अलग से टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब सी। और टेस्ट ट्यूब सी में कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, यही पहले की। क्या करना है, हमने जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है
और परमानेंट हार्ड वाटर है, इसमें से हमने हार्डनेस को रिमूव करवाना है और इनको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, हमें तीन टेस्ट ट्यूब्स पहले लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर, तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने डिस्टिल्ड वाटर लेना है, ठीक है। टैप वाटर यूज नहीं करना, टैप वाटर की वजह से हार्डनेस आ सकती है और हमारा रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। तो लेकिन क्योंकि हम यूज कर रहे हैं टैप वाटर, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, 5 सेंटीमीटर क्यूब 5 सेंटीमीटर क्यूब 5 सेंटीमीटर क्यूब, टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी में। टेस्ट ट्यूब ए में आप ऐड करेंगे सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब ए में ऐड करेंगे। टेस्ट ट्यूब बी में आप ऐड करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, और टेस्ट ट्यूब सी में आप ऐड करेंगे कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, इन्होंने टेस्ट ट्यूब बी में दो चीजें ऐड की हैं, दोनों नहीं करनी, ठीक है, एक करनी है। टेस्ट ट्यूब ए में आप ऐड करेंगे सोडियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट वैसे भी हार्डनेस होती है। टेस्ट ट्यूब बी में आप ऐड करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वजह से भी हार्डनेस होती है, और आपको पता है कि जो बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस है, हम जस्ट उसे बॉइल करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, पीछे कार्बोनेट बचेगा, वो इन सॉल्वर फॉर्म में आ जाएगा। और टेस्ट ट्यूब सी में हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में, क्योंकि जो क्लोराइड है उसकी वजह से कौन सी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर क्यूब। टेस्ट ट्यूब ए में हम क्या ऐड करेंगे, टेस्ट ट्यूब बी में बाइकार्बोनेट, और टेस्ट ट्यूब सी में कैल्शियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, सुने, अब हम जो टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम बाइकार्बोनेट है ना जो बनाया है, इसको दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर देते हैं, आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, और इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड वाला जो बनाया है उसको भी एक और टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लेंगे। इसमें वह लिख लीजिएगा ताकि आपको याद, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड दोनों आधे आधे कर कैल्शियम क्लोराइड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, इसके बोले को सी एस आगे आपको याद है। इसके ऊपर एक तरफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम सल्फेट जिसने ऐड किया था उसमें हम सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे। जब हम सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो लेदर फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सोडियम सल्फेट क्या करता है, वाटर को हार्ड करता है ना, तो हमने ये पढ़ा है कि हार्ड वाटर जो है वो लेदर फॉर्मेशन नहीं करता। तो पहले आपने ऑब्जर्वेशन में लिख लेना है कि एड सोप सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए, नो लेदर फॉर्मेशन, और रिजल्ट क्या होगा, दिस इज हार्ड वाटर, ठीक है, नो लेदर इज प्रोड्यूस, दिस इज हार्ड वाटर। तो आपने ऐड कर लिया ना सॉप सॉल्यूशन, कोई लेदर फॉर्मेशन नहीं हुई थी। कौन सा है सॉप सॉल्यूशन इसमें ऐड किया था, इसमें जी। अब ये देखें, यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, अगर आप देखें ऊपर तो प्रेसिपिटेशन हो गई है, लेदर फॉर्मेशन नहीं हुई, झाग नहीं बनी, प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं। तो ये जो लेदर फॉर्मेशन नहीं हुई वो चीज क्या शो कर रही है, कि ये हमारे पास हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर नहीं। आपने पढ़ा था हार्ड वाटर जो है वो सॉप के साथ स्कम बनाता है, पढ़ा था ना स्कम फॉर्मेशन, तो वो यही है, ये स्कम होता है, ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ना, दिस इज कॉल्ड स्कम। अब लेदर नहीं बनी, झाग नहीं बनी, ठीक है। अब अगली बार जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में मिक्स करना है, बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव करवाते हैं बॉइलिंग के जरिए। अब हम ऐसा करते हैं, इनमें से एक को बॉइल करते हैं,
और टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है और फिर उसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं और इसको बॉयल किए बगैर सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं। जब इसको बॉयल किए बगैर सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे ना तो लेदर फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये हार्ड वाटर है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होते हैं वो बॉइलिंग के लिए रिमूव हो जाती है। अब हम इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद इसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे फिर लेदर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इट मीन्स कि इसमें से टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो गई है और इसमें से रिमूव नहीं है। आप उतनी देर में ये सोप सॉल्यूशन ऐड करें और आप इसे बॉयल करें, मेक इट क्विक, जल्दी जल्दी करें। अब इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद इसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो मुझे बताएं जब हम टेम्पररी हार्ड वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या बॉयल उसके लिए वो हो जाती है हार्डनेस? और अगर हम उसमें सोप ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास लेदर फॉर्मेशन होगी? यस। ओके, तो इट मींस कि हमारे पास ये टेम्पररी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हो जाएगा और ये कौन सा वाटर रहेगा? हार्ड वाटर रहेगा जो बिफोर बॉयलिंग है। और बिल्कुल इस तरह से सेम हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट सी में हमने लिया था उसको दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। अब आपको पता है जो क्लोराइड्स की वजह से हार्डनेस होती है वो टेम्पररी हार्डनेस नहीं होती, वो कौन सी होती है? परमानेंट। एंड यू हैव स्टडी दैट कि जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम रिमूव करवाते हैं बाय यूजिंग टू मेथड्स। द वन इज वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है N2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो वो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट अवेलेबल है, हम उसी को यूज कर लेंगे। जब बॉइल हो गया बॉइल, ठीक है, अब इसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करें। ये कौन सा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा पर है ना फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का? और कितने H2O होते हैं इसमें? 10H2O। अच्छा 10 क्लास आप में से कुछ गर्ल्स ने राबिया, सादिया, सहर, जैनब, माहम और सुहा, ठीक है आप छोड़ो और आप ना ब्रेक नहीं लेनी चाहिए, कोई स्टैंड ऊपर ना जाए, नीचे ना रहे और बाहर रहे।